वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एंड फाइनली हमने 1,16,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसमें से दो बंदों को मैं रॉयल पास देने वाला हूं, तो नीचे कमेंट कर देना। एंड आज का जो टॉप कमेंट है वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो सबसे फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है BGMS को लेके, तो जो उसकी क्वालिफाइड टीम्स है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर एक हैकिंग एलिगेशन के बारे में। तो सुनामी है उन्होंने एक हैकिंग एलिगेशन से रिलेटेड कुछ क्लिप पहले थे। लौड़े एंड इसके बाद जो टीम हुआ है उनसे मैंने POV मांगा था, तो उन्होंने एक क्लिप मेरे को प्रोवाइड करी, तो वो वाली क्लिप भी आप लोग देख लो। Need consumables. ध्यान दे। Watch out. अब मैं नहीं क्रॉस करने दूँगा। हाँ तुम्हारे ऊपर वाला। ए मेरे हीलिंग इसके बाद जो सुनामी है उन्होंने एक और स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने बेसिकली ये चीज लिखी थी कि उनका एक प्लेयर है जेरी नाम से जो कि ऑस्ट्रेलिया से VPN लगा के खेल रहा है BGMI का टूर्नामेंट, एंड वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो जो विंसमोक जेरी करके बंदा है इसकी मैंने स्टोरी डाली थी, जो सेकंड स्टोरी मेरी एक अच्छी बंदा जो DC में मर जाता है, इन्होंने रिप्लाई में इनकी स्टोरी लगाई जो इनका POV था। ओके इनका रिप्लाई तो इन्होंने दे दिया, बट ये बंदा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में को भी पता ये जो सेगी है उनका पास्ट क्या रहा है। तो BGMS के अंदर वो क्वालिफाई हो गई हैं एक टीम से खेल के, एंड इसके रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई थी, बट हमारे को उनके कमबैक से काफ़ी जो कम्युनिटी है वो खुश देखने को नहीं मिली। एंड सबका बेसिकली यही कहना है कि उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए एंड उनको चांस नहीं देना चाहिए। एंड इस चीज़ के ऊपर जो सिड भाई उन्होंने स्टोरी लगा के लिखा था कि मैं ही हमेशा फर्स्ट चांस क्यों लूँ, एंड बाकी सब तो निकल जाएंगे, सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा। साथ में उन्होंने बोला था कि सबको उसका पास्ट पता है एंड उन्होंने हैक्स वगैरह करके कन्फेस भी किया हुआ है, एंड क्वालिफाई हो गए हैं लैन के लिए जो कि TV पे आने वाला है। एंड इसके साथ में जो घातक भाई हैं उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेकंड चांस तो यार सब डिजर्व करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कोई इतनी आसानी से अगर ई-स्पोर्ट्स को चोट देके कमबैक करेगा तो बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इसके बाद जो डेस्ट्रो है उन्होंने भी एक स्टोरी लगा के लिखा था, पहले हैक यूज करो एंड फिर आकर बोल दो VR टू शोकेस द रियल गेम प्ले, एंड वो भी आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एंड इसके बाद जो थक भाई हैं गोल्डी भाई हैं रूशी भाई हैं सबने इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया था, तो उनकी जो स्टोरीज हैं वो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो स्पेरो उन्होंने अपनी स्ट्रीम पे बताया था कि उनकी काफ़ी ई स्पोर्ट्स प्लेयर से भी बात हुई है, उन्होंने बताया था कि वो अभी भी हैक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो वाली क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे को लगता है कभी कभी इंसान बदल जाता है, बट मैंने सच में बताऊं POVs नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता है कि क्या सीन हुआ, कुछ गड़बड़ था या नहीं थड़ा। जितना मैंने अलादीन से बात करी है एंटिटी के अलादीन जो आप सब जानते होंगे, उन्होंने मेरे को यही बोला कि यार कुछ गड़बड़ था। सो आई ट्रस्ट अलादीन टू बी ऑनेस्ट, बट एट द सेम टाइम ये स्ट्रीम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी को मैं जज करूँगा, चाहे वो सैगी हो, चाहे वो विंसमोक के प्लेयर्स हों, चाहे वो नॉट विन हो या फिर चाहे वो अलादीन हो। मैं ये स्ट्रीम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके सामने सारे पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। सबसे पहले अलादीन का पर्सपेक्टिव है, ही सेइंग दैट कुछ गड़बड़ था। ऑलराइट, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर सेइंग कुछ गड़बड़ था जो बाहर हो चुके हैं। आई एम वेटिंग कि अगर जो अंदर प्लेयर्स हैं वो कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते, जो क्वालिफाई हो चुके हैं वो कुछ बोलते हैं नहीं बोलते, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ बेटर केस टू बी ऑनेस्ट। सेकेंड चीज़ अभी देखता हूँ यार स्टोरीज में, एक बार पहले अपना स्पीच खत्म करूँ। सेकंड चीज़ स्पीच भी नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ तुम्हें, पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ अगर तुम नॉर्डविन के पर्सपेक्टिव से देखो, आई थिंक नॉर्डविन वुड हैव चेक द POVs एंड ऑल, उन्होंने पूरा ध्यान से चेक किया होगा, उसके बाद ही रिजल्ट निकाला होगा। नॉर्डविन बीइंग द बेस्ट TO इन इंडिया, आई बिलीव के दे हैव प्रीटी मच चेक्ड एवरीथिंग बिफोर गिविंग चांसेस टू सेगी एंड विंसमोक टीम्स। दैट्स द सेकेंड पर्सपेक्टिव। द थर्ड पर्सपेक्टिव है सेगी की तरफ से। सेगी की तरफ से पर्सपेक्टिव यह है कि भाई गलती कर दी क्या पूरी जिंदगी, अब इस गलती की उम्र कैद थोड़ी काटूंगा, सेकेंड चांस दे दो। दैट इज सेगीज का पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज कम्स पीपल लाइक सेड एंड मी एंड ऑल, उनका पर्सपेक्टिव यह है कि सेकेंड चांस यार बहुत बड़ी गलती कर दी यार, सेकेंड चांस मिलने से पहले एटलीस्ट शुड हैव बीन अ 3-4 ईयर बैन पीरियड जो उसको फेस करना पड़ेगा।
एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो BTL वो लाइव पे आए थे एंड इसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया था डायनामो को। तो इस चीज़ के ऊपर जो डायनामो है उन्होंने दोबारा रिप्लाई किया अपनी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने सब चीज़ों को क्लियर करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। क्लियर फ्यू थिंग्स, सो बेसिकली वी आर ऑर्ग राइट, ओके, एक ऑर्ग में एक डायनामो है। तो जब आप मार्केट में जाते हो डायनामो का नाम लेके, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे। देखो एक ब्रांड है जिसका नाम है XYZ, और मैं मेरी टीम जा रही है उनके पास कि भाई देखो हमें बूट कैंप बनाना है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो? हाँ बिल्कुल यार, क्यों नहीं करना है, आप बताओ क्या काम है। तो हम बोलते भाई देखो ऐसा ऐसा है, हम लोग वीडियो बनाएंगे बढ़िया सी, एंड यू नो लेट्स रोल। अब क्या होता है इसमें कि अब देखो उस टाइम पे क्या था, जब हम PC बना रहे थे ना, तो आपको पता होगा इस टाइम पे माइनिंग बहुत चल रही थी। क्या होता था, आपको ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता था। तो अब जो PC, अब हमने किस चीज़ का पैसा दिया, हमने पैसा दिया था सिर्फ ग्राफिक कार्ड का और प्रोसेसर का, बिकॉज प्रोसेसर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आपको ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर, इन चीज़ों का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, एंड आप 2021 का मार्केट आप देखो, ले लो 16 GB रैम, मदरबोर्ड अच्छी खासी, प्रोसेसर आपका i7 या i9 समथिंग प्रोसेसर होगा, मेरे को याद नहीं अच्छे से, i7 पकड़ते चलो, सॉरी ग्राफिक कार्ड ले लो 3080 3070 3080 या 3090, डिस्क हो गया, यू नो मॉनिटर ले लो आप, इतने बड़े बड़े मॉनिटर, वो PC बनाने में आपको लगेंगे 3 लाख रुपए, क्योंकि आपका ग्राफिक कार्ड ही 1.5-2 लाख का, तो ग्राफिक कार्ड ही आपका पकड़ लो यार, 4-5 लाख कह रहे हो, तो मैं चलो 3 लाख मान के चलता हूँ फॉर एग्जांपल, कि एक PC बनाने में 3 लाख रुपए लगते हैं। अब वो PC हमें कितने का पड़ा, 1.5 लाख का पड़ा, राइट, लेट्स अभी चेक कर लेते हैं, आ जाओ 1,48,999 जितने का PC बना है ना, उतने का सिर्फ ग्राफिक कार्ड है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि PC किसके किसके पास था। PC था न्यूक्लिया के पास, BT के पास, एम्परर के पास, कनिका के पास, पाइथन के पास, व्रात के पास, आई थिंक एडिटर के पास भी PC था, जो वहाँ पे एडिटर था, तो उसको भी हमने PC दिया था एडिटिंग के लिए। जो PC के पैसे किसने दिए, तो बेसिकली मेरे पापा उस टाइम पे जस्ट रिटायर हुए थे, या रिटायर होकर उनको थोड़ा बहुत टाइम हो गया था, ओके, और मेरे पापा को मिली थी पेंशन। अब मेरे पापा को पेंशन मिली, तो मैंने बोला पापा आप मेरे को थोड़ा पैसे दे सकते हो PC के लिए, तो आप दे दो, तो पापा ने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट दिया, 15 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया, ऊपर से 2 लाख मैंने डाले, 17 लाख रुपए का अमाउंट हो गया, 17 लाख भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, चलो 15 पकड़ के चलते, मैं तो मेरे हटा देता हूँ। तो मेरे पापा ने मेरे को पट से ट्रांसफर मारे 15 लाख रुपए, और भाई इसका प्रूफ भी आप ले सकते हो उनसे, ठीक है। अभी वो मेरे को लगता है उन्होंने बोला होगा कि आदित्य मतलब डायनामो ने पैसे दिए करके पूरे। क्या हुआ कि जब हमने अभी आता सेकंड पॉइंट पे, जब हमने डिसाइड किया कि यू नो हमें बूट कैंप क्लोज करना है, राइट, तो मैंने बोला कि भाई देखो अब हम बूट कैंप क्लोज कर रहे हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लग गया गाइस, मेरा बहुत पैसा लग गया है, ठीक है, और मेरा इतना पैसा लग गया है, तो यू नो आई वॉन्ट समथिंग सो दैट यू नो मैं इतना नुकसान में ना जाऊँ, बिकॉज मेरे मॉम डैड भी मेरे को डांट रहे हैं घर पे। तो हमारा था 2.5 लाख रुपीज़ का रेंट, 1,17,000 1,20,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, तब भी मैं इसको चलो रफली 1 लाख पकड़ के चलता हूँ मैं, और ये जो बिल आता था ये आता था हर 2 महीने का बिल आता था, 2-2 महीने या 1-2 महीने पकड़ते चलो 2 महीने का बिल आता था, तो कितना हो गया आपका 1 महीने का रेंट, ठीक है, हम रहे 2 साल हम लोग रहे 2.5 लाख × 24, 2 साल होते हैं ना 24 महीने मतलब, तो कितने हो गए आपके ये 60 लाख हो गए, इसमें हम ऐड करते हैं 15 लाख रुपए जो मेरे पापा ने ट्रांसफर किए थे, साफ साफ 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, कितने हो गए ये 75 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। 7 लाख रुपए का डिपॉजिट था मेरा, 7 लाख रुपए डिपॉजिट दिया था हमने, जिसमें से मैंने दिए थे अल्फा ने 1 लाख रुपए दिए थे, और मैंने दिए थे ऊपर के 6 लाख, क्योंकि 5 लाख मैंने 1 लाख दिए थे, फिर अल्फा ने 1 लाख दिए थे, और 5 लाख मेरी टीम में दिए थे उस टाइम पे बिकॉज जरूरत पड़ रही थी, लेकिन 5 लाख रुपए मेरी टीम में हमने फिर वो कट कर लिया था उन्होंने बिकॉज, तो हर कोई बंदा जैसे हर कोई बंदा कॉन्ट्रीब्यूट करता था अपना 30%, ठीक है, जैसे मान लो कोई बंदा अगर 100 रुपए कमा रहा है तो वो 30 रुपीज देता था कि ताकि हम लोग इजीली सारी चीज़ें चला सके अच्छे से एंड किसी को भार ना आए। अब इन सब चीज़ों में क्या था कि हमारे पास एक ऑप्शन था कि जो लोग नहीं कर रहे, जो लोग नहीं दे रहे उनको भी रखना है कि उनको हटा देना है, उनको घर पे रखना है, तो मैंने बोला कि नहीं यार ये हमारे फैमिली मेंबर्स ही है, इनको भी रखते, पाइथन उसके बाद ज़ियोस, फिर उसके बाद BT के लिए मैंने अपनी वो छोड़ दी थी, क्या कहते हैं उसको, वो सुपर पीपल हम गेम खेलते थे क्योंकि BT बहुत अच्छा खेलता था, आज भी बहुत अच्छा खेलता है, तो मैं सोचता था कि यार इसको करने दो स्ट्रीम, मेरे को स्ट्रीम नहीं करनी है, लोग इसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको भी भाई गिनाने में मत लेना भाई, मैं गिना नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि सैक्रिफाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी वो जो मैंने आपको आंकड़ा दिखाया ना, उसमें आप अभी बिल डाल दो, ठीक है, एक पकड़ लो यार, एक पकड़ लो 2 महीने का बिल, और आप इसको 24 महीने से हिसाब लगा लो, वो आप उसमें ऐड कर दो, ठीक है। मैंने क्या बोला उनको एक दिन कि गाइस देखो यार ऐसा ऐसा है, 2.5 लाख मैं आपसे पहले चार्ज कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना मेरा नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया मेरा, एंड अब आते हैं मेन चीज़ पे कि भाई 1.5 से 1.5 कैसे हो गया। तो भाई मैंने उनको ये बोला गाइस देखो मेरे को रिकवर करने यार, बहुत ज़्यादा मेरे पैसे डूब गए, तो आप एक काम करो आप स्प्लिट कर दो। तो स्प्लिट पे वही आया कि भाई बिजनेस मान लो इसको, बिजनेस मान के भूल जाओ कि भाई क्या कहते हैं इसको, बिजनेस में लॉस हो गया। मैंने कहा यार आपको अगर 2 रुपए का लॉस हुआ है तो मेरे को 10 रुपए का लॉस हुआ है, और आपके हिसाब से आपको लगता है कि आप लॉस कवर कर लोगे, मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। कुछ इस पे सॉल्यूशन कभी नहीं आया, पैसे नहीं दिए, ठीक है, वो स्प्लिट ही नहीं हुआ फिर पैसे।
ठीक है, वो स्प्लिट नहीं हुआ, वो कभी नहीं हुआ, मेरे को नहीं पीले उस चीज के पैसे। फिर मैंने ये बोला कि गाइस एक काम करो, तुम पीसी लेके गए हो, मेरे को 2.5 लाख रुपए दे दो, आज के तारीख के हिसाब से अगर आप वो पीसी बनाने जाओगे तो आपका 3 लाख रुपए कहीं नहीं जाए जाओगे, आप ये पीसी लेके गए हो, आप इतना पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी नहीं हो पाया उनसे, बीटी ने पैसा दिया, बीटी ने थोड़ा पैसा दिया, आधा पैसा दिया शायद बीटी ने, आधे से ज्यादा आधा पैसा दिया है, फिर बीटी भी रुक गया। सब लोग डिस्कॉर्ड पे, सबको अच्छे से पता ये चीज़ है, आई डोंट नो उन्होंने आपको ये बोला कि नहीं बोला कि पीसी का पैसा देने के लिए वो सारे एग्री हो गए थे, ठीक है। फिर मैंने उनको ये बोला कि गाइस देखो यार तुम 2.5 नहीं दे पा रहे, एक काम करो, एक नॉर्मल कंक्लूजन पे आते हैं, 1.5 लाख पे आ जाते हैं, आप मुझे 1.5 लाख रुपये दे दो, ठीक। तो अब 10 पीसी है, 1.5 लाख मैंने बोल दिया कि भाई तुम 2.5 लाख नहीं दे पा रहे हो, तुम 1.5 दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1.5 × 10 कितना होता है, 15 लाख, ठीक है। पापा ने कितने दिए, 15 लाख। तो मैंने क्या बोला था, भाई 15 लाख दे दो, मतलब 1.5 दे दो। फिर हमने कॉल करना स्टार्ट किया रात को, रात भाई साहब ने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर हमने ज्यूस को बोला, ज्यूस भाई साहब भी गायब हो गए, ठीक है। फिर हमने पायथन भाई साहब को बोला, पायथन भाई साहब के वर्ड्स ये थे कि डानो भाई मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मेरे को आप 1 महीने का टाइम दो। मैंने बोला पायथन भाई डोंट वरी, मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम चल रही है, एक काम कर, तू 1 नहीं, तू 1.5 महीना ले, तो 2 महीना ले, कोई दिक्कत नहीं है। बातें मेन चीज पे गाइस, सारी बातें मान लेते हैं कि भाई मैं स्कैमर हूँ, मैंने स्कैम किया। फॉर एग्जाम्पल इतना तो आप मानते हो ना कि डायनामो के 10 रुपये खर्च हुए, ठीक है, और वो क्या मानते हैं कि उनके 5 रुपए खर्च हुए, 5 तो घंटा नहीं हुए, बट चलो मैं मान रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं कि हमें पैसे वापस कर दो, भाई एक काम करो, मेरे 10 रुपए खर्च हुए ना, स्प्लिट कर दो, अपना हिस्सा काट लो, जो बचता है वो मुझे वापस कर दो यार, मत करो मेरे 10 रुपए वापस, भाई जो बचता है ना वो मुझे वापस कर दो भाई। मैं बोल चुका हूँ उनको कि भाई आप दे दो। और गाइस मैंने आज जो भी चीज बोली है ना, आप ये सारी चीजें उनसे कंफर्म कर सकते हो कि भाई ये लाइन उसने बोली है। आर यू गाइस एग्री ऑन दिस, क्या आप लोग 2.5 से 1.5 ये कलयुग यहाँ पे झूठ को सच और सच को झूठ माना जाता है। क्या आपको 2.5 से 1.5 तक का जो कम्युनिकेशन था उसमें आप थे क्या, क्या आपको, क्या आप एग्री करते हो इस चीज पे, ठीक है, राइट। अरे मां कसम, रिसीव्ड ऑन गूगल पे, ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट एक्स, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा यार बीटी, वाई लॉस एक्स वाई, रुक जाओ यार तुम लोग, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा बीटी मेरी जान, एक तो यार मैं इसको ना अपने भाई जैसा मानता था यार बीटी, मैं इस बंदे से ना गाइस बहुत प्यार करता था, बहुत बहुत प्यार करता था मैं इस बंदे से, बट अब मैं नहीं करता इससे बिल्कुल, ये मेरे दिल में भी नहीं अभी। मैं बता बीटी को इतना ही बोलना चाहूंगा ब्रो, ये जो तेरे पीछे ना ये RNT लिखा हुआ, ठीक है, इनकी इज्जत कर ले भाई, सच्ची कह रहा हूँ, इनकी इज्जत कर ले भाई। तो मैं इतना बोलूंगा बीटी भाई, तू छोटे भाई जैसा है मेरे यार, ठीक है, तेरे पीछे जो टैग लगा ना RNT का, उनकी इज्जत कर ले भाई, थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी में मत पड़ यार। ये जो बचकाने लोग है ना, तेरे ऊपर बंदूक रख के चलाते तेरे कंधे पे, क्योंकि तू बोलता है ना, तो तेरे पे बंदूक रख के चलाते तेरे ऊपर ये। तू अपना मेहनत कर, अपनी माँ को सपोर्ट कर, ठीक है, कुछ भी लगेगा पर्सनली मुझे आके बोल के भाई मेरे को ये हेल्प चाहिए तुमसे, मैं खुद तेरी हेल्प करूंगा, बट ऐसी हरकतें मत कर कि इन चूतियों की वजह से ना तुम लोग को गाली पड़ रही है और RNT को गाली पड़ रही है। एंड इसके बाद जो अल्फा क्लेशर है, उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा था, विल दे एवर मूव ऑन, विल दे एवर स्टॉप टेकिंग क्रेडिट फॉर एवरीथिंग वी हैव डन, व्हेन विल हिपोक्रेसी एंड, पीसी बिल सीम्स जस्ट लाइक ई-स्पोर्ट्स लाइनअप कभी नहीं आने वाला, ऑल्सो टॉक अबाउट रेवेनेंट, आओ कल दिखाते हैं वटा और लुक लाइक, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।